बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हैदराबादी बैंगन बनाना सिखा रही हूँ। हैदराबादी बैंगन बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बैंगन 12 टू 13 स्मॉल साइज, और इसको इस तरह कट लगा लें। अनियन 2 मीडियम साइज, और इसको पीस लें आप। कड़ी पत्ता 1 स्मॉल बंच, ग्रीन चिली 12 टू 13, इमली का पेस्ट 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, होल रेड चिली 4 टू 5, मेथी दाना 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ऑयल 1 कप। हैदराबादी बैंगन में जो भुना हुआ मसाला जाएगा उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। कलौंजी 2 टीस्पून, पीनट्स 4 टेबल स्पून, वाइट क्यूमिन सीड 4 टीस्पून, होल कोरिएंडर 8 टीस्पून, कोकोनट 4 टीस्पून, सफ़ेद तिल 2 टीस्पून, खशखाश 2 टेबल स्पून। खशखाश को हमने धो लिया है क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है। ये सारा मसाला हम भूनेंगे और इसको पीस लेंगे, सिर्फ कलौंजी नहीं भूनेंगे। मैंने ये मसाला पीस लिया है भून के, अब मैं इसमें कलौंजी ऐड करूँगी। हमारा भुना हुआ मसाला रेडी है। इसमें से 2 टेबल स्पून हमारे बैंगन में जाएगा। मैंने आपको ज़्यादा की रेसिपी बताई है, आप बाकी मसाला सेव कर सकते हैं, जब आपको दोबारा बनाना हो तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें मेथी दाना डालेंगे। 2 से 3 बार अच्छे से स्टर करने के बाद फिर हम इसमें साबुत लाल मिर्च डालेंगे। हमने अपनी साबुत लाल मिर्च डाल दी है, इसको 2 से 3 बार स्टर करेंगे, फिर हम इसमें अपना कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, कुटी भी प्याज जाएगी इसमें, कुटी लाल मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी। अब हम इसको भूनने तक पकाएंगे इसको अच्छे से। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। मिर्चें डालने के 1 मिनट बाद अब हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे और इसको फिर पकने रख देंगे मीडियम आंच पे। बैंगन सारे डाल के हमें इसको मीडियम आंच पे पकाना है, कैप लगा के, और हमें इसे चमचे से चलाना नहीं है वरना हमारे बैंगन टूट जाएंगे। बैंगन डालने के 5 मिनट बाद हमने देखे ये हल्के से गल गए बैंगन, अब हम इसमें इमली ऐड करेंगे। अगर हम पहले ऐड करते तो हमारे बैंगन जो है वो ऐड जाते, इसलिए हमें 5 मिनट के बाद इमली ऐड करनी है। इमली डाल के हमने इसको 5 मिनट तक पकाया, हमारे बैंगन बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने वो मसाला भुना हुआ डालना है 2 टेबल स्पून, हमने इसको बिल्कुल दम पे रख के करना है हल्की आंच करके। मसाला डालने के बाद हमने इसको चमचे से नहीं चलाना वरना हमारा जो बैंगन है वो टूट जाएंगे। हमने इसको इस तरह करके हल्का सा करना है और इसको छोड़ देना है। 1 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे भुना हुआ मसाला डाल के। हमारे हैदराबादी बैंगन रेडी हैं। हैदराबादी बैंगन के साथ ग्रीन राइस सर्व कर रही हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए 2 कप राइस, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी चाहिए। मैंने 2 टेबल स्पून हरा धनिया पुदीना लिया है और ग्रीन चिली 1 लिया है। मैंने इन तीनों चीज़ों को पीस लिया है चटनी की तरह। क्लोव्स 4, सिनेमन स्टिक 2 स्मॉल, चिकन क्यूब और वेजिटेबल क्यूब जो आपको पसंद हो वो ले लें, वाइट क्यूमिन सीड 1 टीस्पून। हमने एक पैन में ऑयल डाला 2 टेबल स्पून, ज़ीरा डाला, दालचीनी डाली, लौंग डाल दी उसके अंदर, चिकन क्यूब डाला। अब हम इसमें अपनी ग्रीन चटनी ऐड करेंगे जो हमने बनाई थी। अब हम इसमें अपने राइस ऐड करेंगे। हमारे हैदराबादी बैंगन रेडी हैं बिल्कुल। ग्रीन राइस के साथ इंजॉय करें।